हेलो एवरीवन, चलिए गाइस अब हम पढ़ लेते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनो मतलब क्या होता है? इकाइनो एक ग्रीक वर्ड है। इकाइनो का मतलब होता है हेजहॉग। हेजहॉग एक ऐसा आप बोल सकते हो जानवर है जिसकी जो पीठ है उधर कांटे टाइप स्ट्रक्चर होता है, उधर एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है गाइस, उसकी फोटो यहाँ पर आ रही होगी। हेजहॉग की देख सकते हो इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है। तो गाइज यहाँ पर मेन मोटिव ये नहीं है कि हेजहॉग क्या है, हमें यहाँ पर जानना है इकाइनोडर्माटा क्या है। इकाइनोडर्माटा एक फाइलम है। ये किसका फाइलम है? किंगडम एनिमिलिया का फाइलम है। तो जो इकाइनो मतलब इकाइनो वर्ड है, इसका मतलब है हेजहॉग और डर्माटा का मतलब है स्किन। ठीक है गाइज, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मतलब इनकी जो स्किन है उसके ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कैसी स्किन होती है? स्पाइनी स्किन होती है। कैसी कांटेदार इनकी त्वचा होती है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या, यहाँ पर एनिमल्स आएगा। ठीक है गाइज, ये याद रखना, एनिमल्स की बात हो रही जब से, ठीक है, कहीं तुम कुछ और समझ लो, नहीं ये एनिमल्स की बात हो रही है। तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। स्पाइनी स्किन्ड मतलब जिनकी जो शरीर है, जिनका जो त्वचा है वो कैसी, उनके ऊपर क्या कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ नुकीले से स्ट्रक्चर है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मतलब कांटेदार शरीर है इनका। उसके बाद ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है लगभग सारे के सारे, लगभग सारे के सारे। तो ये क्या है कि ये मैराइन मतलब क्या होता है? खारे पानी में रहते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र में पाए जाएंगे। और ये फ्री लिविंग है, मतलब इन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपने आप काट रहे हैं, अपने आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद जो ये ऑर्गेनिज्म, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री कोर की हैं। और क्या है इनके अंदर? गुहिका है, इनके अंदर गुहिका प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइज, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि थ्री कोर की कौन कौन सी लेयर होती हैं? तीन जर्म लेयर मैंने बताई थी आपको, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तीन जो जर्म लेयर्स हैं इनके अंदर वो भी प्रेजेंट होती है। और सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर अंग देखने को मिलेंगे, ऑर्गन देखने को मिलेंगे, सत्य ऑर्गन इनके अंदर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद गाइज एक चीज़ है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना इसको रटना। मैं सीधा बता रहा हूँ, इसको रटना जरूरी है, क्योंकि देखिए गाइज, पिक्यूलर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम, इनके अंदर एक ऐसा वाटर सिस्टम है जो कैसा है? पिक्यूलर है, बहुत अद्भुत सा है। इनके अंदर अद्भुत सा एक पानी को जो है वो अंदर लेने और बाहर निकालने का अलग सा सिस्टम है। किनके अंदर? इकाइनोडर्माटा के अंदर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पिक्यूलर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है? पिक्यूलर का मतलब होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत, मतलब कि अद्भुत तरीके से वाटर को क्या करेंगे? लेंगे वाटर को, क्या करेंगे? अपने अंदर टेक इन करेंगे, अंदर ले लेंगे वाटर को। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद इनकी जो लेयर है वो कैसी है? वो हार्ड लेयर है। अब हार्ड लेयर है, हार्ड लेयर तो आर्थ्रोपोडा की भी थी। हार्ड लेयर जो है इनकी, उसका क्या मतलब है? वो किससे बनी हुई है? इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। मतलब कि जो इकाइनोडर्माटा ऑर्गेनिज्म है, इनका जो बाहरी स्केलेटन है, बाहरी ढांचा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इसको हिंदी में भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, क्योंकि ये एक कंपाउंड है। ठीक है गाइज, उसके बाद इसके एग्जाम्पल तो मस्ट इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? इसका एग्जाम्पल आएगा स्टारफिश, जो सितारा जैसी मछली होती है ना, एक स्टारफिश, और वो एक जहरीली मछली होती है, आपसे पूछ सकता है। स्टारफिश, सी अर्जिन, सी क्यूकुम्बर और फीदर स्टार। जो ये सी क्यूकुम्बर है, ये क्या होता है? ये भी एक एनिमल ही है, सब एनिमल ही है, ऐसा मत समझ लेना। क्यूकुम्बर दिख गया तो खीरा बोल दोगे उसको, नहीं खीरा नहीं है, इसको बहुत सारे लोग खीरा समझ जाएंगे, नहीं सी क्यूकुम्बर। आप किसी से बोल के देखना कि क्या आपने सी क्यूकुम्बर खाया है, वो सोचेगा कि समुद्र में कोई खीरा उगता है उसके बारे में बात कर रहा है, नहीं ये एक और एनिमल है। और जो क्यूकुम्बर हम खाते हैं वो क्या होता है? वो तो वेजिटेबल होता है। एक फनी बात है इसमें, जो सी क्यूकुम्बर है, एक बार आप डिस्कवरी देखते हो, आप शायद आप डिस्कवरी आपने देखा होगा, उसमें बेयर ग्रिल्स को जानते होगे, मैन वर्सेस वाइल्ड जानते होगे, बेयर ग्रिल्स को एक बार उनके पीछे शार्क पड़ गई थी। ठीक है, तो उनके पीछे क्या पड़ गई थी? शार्क पड़ गई थी समुद्र में, तो वो भागते भागते किनारे तक पहुँच गए और वो शार्क वहीं उसके आसपास घूम रही थी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये किनारा है, ठीक है, ये रेत वाला एरिया है और ये पूरा वाटर है, तो यहाँ पर क्या आ गई? शार्क आ गई। ठीक है, और वो किसके पीछे भागने लग गई? वो बेयर ग्रिल्स के पीछे भाग रही थी। ठीक है गाइस, तो बेयर ग्रिल्स क्या करा उसने? वो यहाँ पर आ गया और उसने देखा कि यहाँ पर कुछ सी क्यूकुम्बर पड़े हैं, मतलब पानी के बिल्कुल बाहर यहाँ पर। तो बेयर ग्रिल्स ने क्या करा? उन सी क्यूकुम्बर को फेंक दिया किसके पास? शार्क के पास, ताकि शार्क इन्हें खा ले और उसे छोड़ दे, मतलब वो इंटरेस्टेड हो जाए किसमें? क्यूकुम्बर में। इन सी क्यूकुम्बर को खाना शुरू कर दे, पेट पूजा करने के बाद वो वहाँ से चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और वो एपिसोड वहीं ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पर शायद बेयर ग्रिल्स फेल हो गए थे शार्क को भगाने में। चलिए गाइस, वो तो अलग बात है। उसके बाद देखिए, मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा से।
इनके जो ऑर्गेनिज्म वो कैसे स्पाइनी, कैसे कांटेदार इनके शरीर है, कांटेदार शरीर है, ज़्यादातर कैसे मैराइन है, खारे पानी में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं, मस्तमौला काट रहे हैं, फ्री लिविंग है। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ इनके अंदर गुहिका देखने को मिलती है, सीलोमेट्स हैं, ठीक है, सीलोम इनके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद पिक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। पिक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम किनके अंदर देखने को मिलता है, वो मिलता है एकाइनोडर्मेटा के अंदर। किसके अंदर? एकाइनोडर्मेटा के अंदर। उसके बाद दे हैव हार्ड लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी जो बाहरी परत है वो किससे बनी हुई है, आपसे ये भी पूछ सकता है, आप बोलोगे ये बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन, और क्या है कुकुम्बर है, और क्या है फेदर स्टार, ठीक है, फेदर स्टार, ये इसके कुछ एग्जांपल है। आई थिंक गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने कराए हैं जिनका आपके एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम भी मेंशन है, उनको जरूर पढ़ ले, क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, बच्चे पूरा चैप्टर याद करके चले जाते हैं, समझ के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अटक जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या याद नहीं किया था, इनका साइंटिफिक नेम। आपको साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए गाइस। चलिए गाइस, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर सैनिटाइजर का और मास्क का भी प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।